मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक सेक्सी औरत को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, जिसका नाम सैंडी होता है। वो घर वापस आकर कंप्यूटर पर अपने बेटे की कुछ पुरानी वीडियोस देखने लगती है और बहुत खुश होती है। वो एक और क्लिप भी देख लेती है जिसमें उसका पति किसी और औरत के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो घर छोड़कर चली जाती है और अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक यंग लड़का अपने मॉम और डैड के साथ वॉक कर रहा होता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उन्हें बता रहा होता है जो उसे छोड़कर चली गई होती है। लड़के का नाम एरन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंडी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है क्योंकि अब अपने बच्चों की देखभाल उसे खुद करनी होती है। स्पोर्ट्स सैंडी की हॉबी होती है और वो फ्री टाइम में उस पर काम करती है और वही रिसर्च का काम वो अपने इंटरव्यू में दिखाती है और उसकी जॉब लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एरन भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे भी जॉब मिल जाती है। अगले दिन सैंडी उस कॉफी शॉप में जाती है जहाँ काम करता था और वो कहती है कि मैंने एक ऐड देखा था कि आपके यहाँ अपार्टमेंट खाली है और एरन का एक दोस्त उसे अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जाता है। सैंडी अपनी फ्रेंड के साथ जिम में होती है और वो सैंडी को सजेस्ट करती है कि तुम्हें किसी दूसरे आदमी को डेट करना चाहिए, लेकिन सैंडी कहती है कि मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एरन अलग अलग जॉब करता है और वो अपनी नई जॉब पर जाता है जहाँ सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है और उसकी बॉस उसे कहती है कि जल्दी से अपना सूट पहनकर आ जाओ। कुछ मॉम्स अपने बच्चों के साथ सेल्फ डिफेंस क्लास में होती हैं जहां सैंडी भी आती है। इंस्ट्रक्टर उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने लगती है। फिर सैंडी वॉलंटियर करती है और अपने पति का सारा गुस्सा एरन पर निकालती है जिसने प्रोटेक्शन सूट पहना होता है और आखिर में सैंडी एरन को पहचान लेती है। सैंडी एरन को सॉरी कहने के लिए कॉफी शॉप पर जाती है और उसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए नैनी की जॉब ऑफर करती है। एरन भी सैंडी की जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसी दिन सैंडी को भी एक डेट पर जाना होता है। सैंडी डेट पर एक आदमी के साथ जाती है और वो बहुत अजीब सा बिहेव करता है जिसे देखकर सैंडी इरिटेट हो जाती है और घर वापस चली आती है। वहीं दूसरी तरफ एरन के साथ सैंडी के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। सैंडी घर आती है और उस आदमी को याद करके कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। अगले दिन एरन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है कि उसे सैंडी के यहाँ जॉब करना अच्छा लगा और वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे दूसरों को खुशी मिले। इतने में सैंडी के बच्चे एरन के पास दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्दी चलो, हमारी मॉम मर गई है। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सो रही होती है। एरन और सैंडी कॉफ़ी शॉप में बच्चों के साथ होते हैं और वहाँ एरन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। फिर सैंडी एरन से कहती है, काम की वजह से मुझे ऑफिस से आने में लेट होगा, तो क्या तुम फुल टाइम मेरे यहाँ नैनी की जॉब कर सकते हो? एरन उसे हाँ कर देता है जिससे एरन के पेरेंट्स खुश नहीं होते और एरन से कहते हैं कि तुम ये जॉब कर लो, लेकिन साथ में तुम्हें और कहीं भी इंटरव्यू देने होंगे। सैंडी अपने काम में बिजी रहती है और वही उसके बच्चे एरन के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। फिर एक रात सैंडी उसकी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है और वहाँ वो एरन के बारे में बात करने लगते हैं और उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम अपने बच्चों की नैनी के प्यार में तो नहीं पड़ रही हो? और फिर सैंडी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सैंडी और एरन एक बॉक्सिंग मैच देखने जाते हैं। वहाँ सैंडी को पता चला कि एरन ने एक जॉब ऑफर को मना कर दिया था उसके बच्चों के नैनी बनने के लिए। तो एरन सैंडी से कहता है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे साथ रहना। तभी एक बॉक्सर एरन के ऊपर आकर गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। सैंडी उसे अपने घर ले जाती है और इतने में उसका एक्स हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ घर आ जाता है जिसे देखकर सैंडी हैरान हो जाती है। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो सैंडी उसे कहती है कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, ये मेरा घर है और अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। वो सैंडी से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ और हम साथ रहेंगे, लेकिन सैंडी मना कर देती है और उसके दिल में जो भी भड़ास होती है वो सब अपने एक्स हस्बैंड पर निकाल देती है। वो एरन से कहती है कि कल तुम्हारी छुट्टी है और हम दोनों डेट पर चलेंगे। फिर अगली शाम वो दोनों बाहर जाते हैं जहां एरन के फ्रेंड्स भी होते हैं। वहां से घर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर एरन अपने हथियार से सैंडी की गुफा में गोलियां चलाने लगता है। अगले दिन सैंडी और उसका फ्रेंड जिम में होती हैं और सैंडी उसे बताती है कि कल रात एरन और वो एक दूसरे के करीब आ गए थे और इंटीमेट हो गए थे। पहले तो वो बहुत एक्साइटेड होती है और फिर वो सैंडी से कहती है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा सीरियस मत होना क्योंकि वो तुमसे बहुत छोटा है, लेकिन सैंडी उसकी बात नहीं सुनती। फिर अगले दिन एरन का बर्थडे होता है और एरन सैंडी और उसके बच्चों को लेकर अपने घर जाता है। सब उसको गिफ्ट देते हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि सैंडी एरन को अपने कोवर्कर से मिलाने ले जाती है और वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं और आते हुए दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। अगले दिन सैंडी को कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो जब घर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो एरन को बताती है और वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के
पास कंफर्मेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो माँ बन सकती है। वो घर आ रहे होते हैं और सैंडी गुस्से में होती है। वो एरन से कहती है कि अब हम ये नहीं कर सकते, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम बहुत छोटे हो और अब मैं ये नहीं कर सकती, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, और ये कहकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैंडी अपनी जॉब में बिजी हो जाती है और एरन अलग अलग कंट्रीज घूमने जाता है जहाँ वो छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन इस सब के बीच भी उन दोनों की लाइफ में कोई भी नहीं आता और वो दोनों सिंगल ही रहते हैं। सैंडी को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल जाता है और एरन भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता है। एक लड़की एरन को कॉफी के लिए पूछती है पर वो उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सैंडी अपनी फ्रेंड और बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रही होती है। फिर वो वॉशरूम जा रही होती है, इतने में उसे वहाँ एरन मिल जाता है। वो भी वहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एरन के पास आता है और उसे डैड कहता है। इस बच्चे को एरन ने अडॉप्ट किया था और अब वो एरन के साथ ही रहता है। सैंडी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि एरन ने अभी तक शादी नहीं की है। एरन सैंडी को कहता है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो हम दोनों के लिए परफेक्ट हो। फिर वो दोनों डिनर टेबल पर सबको ज्वाइन करते हैं और सब एरन को देखकर खुश हो जाते हैं। सैंडी और एरन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।